सर बिग बॉस के अंदर एमसी स्टैंड ने राउंड टू हेल वालों की मतलब तारीफ की, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, वो एपिसोड मैंने देखा जिसमें एमसी स्टैंड मतलब शिव ठाकरे रहता है और ये कंटेस्टेंट रहता है, उनके सामने बैठे रहते हैं। तो एमसी स्टैंड कहते हैं कि मेरे फेवरेट रैपर, मतलब फेवरेट रैपर कह रहा हूँ कि फेवरेट यूट्यूबर्स हैं मेरे, ये क्या कहते हैं राउंड टू हेल, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि भले ये लोग गाली देते हैं लेकिन इनकी वीडियोस मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और इनकी वीडियोस को मैं वेट भी बहुत ज़्यादा करता हूँ कि आखिर इनकी वीडियोस कब आएंगी। और फिर उसके बाद सिर्फ ठाकरे कहते हैं एमसी स्टैंड से कि भाई इनकी ये तो मेरे भी फेवरेट हैं, इनकी वीडियोस तो मैं भी देखता हूं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यार कि बिग बॉस जैसे शो के अंदर कोई मतलब कंटेस्टेंट वगैरह ये यूट्यूबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी पता भी चला कि मतलब कोई अवार्ड जीता है राउंड 12 वालों ने अभी, जिसमें कई लोगों ने भी जीता है, मतलब ट्रिगर्ड इंसान ने भी जीता है। तो राउंड 12 में भी मतलब एक अवार्ड जीता, वो भी काफ़ी अच्छा लगा कि भाई यूट्यूबर्स को भी मतलब इतने ज़्यादा मतलब वो मतलब उस लेवल पे ले जाया जा रहा है कि उनका मतलब क्या कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनको अवार्ड्स वगैरह दिए जा रहे हैं, जैसा म्यूजिक इंडस्ट्री पे या बॉलीवुड इंडस्ट्री पे दिया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री पे, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं। और एमसी स्टैंड की क्या वैल्यू है यूथ के आगे वो तो सभी को पता है, और उन्होंने जिस तरह से राउंड 12 को सपोर्ट कर दिया है तो भैया वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। हालांकि ये भी हमें पता है कि मतलब जब अभी एमसी स्टैंड को मतलब खबरें आई थी कि मतलब कि बिग बॉस में आने वाले हैं, तब राउंड 12 की पूरी टीम ने एमसी स्टैंड को सपोर्ट किया था इसके लिए, बिग बॉस के लिए। और उन राउंड 12 का भी ऐसा करना था कि भाई एमसी स्टैंड को विनर बनना चाहिए ताकि अच्छा लगे, मतलब उनका राउंड 12 वालों का खुल के सपोर्ट था, मतलब वो भी उनको सपोर्ट करते हैं उनके सॉन्ग को। एमसी स्टैंड से पहले एमसी स्टैंड ने तो अभी एपिसोड में कहा है कि भैया राउंड 12 को मेरा मतलब मेरे फेवरेट है, लेकिन राउंड 12 वालों ने पहले ही सपोर्ट कर दिया था जब ऐसी खबरें सामने आई थी कि एमसी स्टैंड जाने वाले बिग बॉस में, तब राउंड 12 वालों ने उनको सपोर्ट किया था सभी ने। तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा यार। अभी तो रिसेंटली इनकी एक वीडियो भी आई है नेटफ्लिक्स में, वो भी टॉप पे है, मतलब ट्रेंडिंग नंबर 1 पे है अभी, ट्रेंडिंग नंबर शायद 2 पे है, तो अभी 2 दिन से तो नंबर 1 पे थी। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई यूट्यूबर्स पे भी बताओ यार इतना ज़्यादा, भाई ट्रेंडिंग पेज पे राउंड 12 की वीडियो रहती है, कोई भी वीडियो उनकी तो ट्रेंडिंग पे आ जाती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यार कि बताओ एमसी स्टैंड जैसे शिव ठाकरे जैसे लोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी ओर हैं जो कि फिल्म को बायकॉट करने के चक्कर में यूट्यूबर्स को भी बायकॉट करने लगे थे, जैसे कि अभी पता ही होगा कि वसीम कंट्रोवर्सी में आए थे। और एक शिव ठाकरे हैं जो अभी मतलब एमसी स्टैंड को कहते हैं कि भाई मैं मेरे फेवरेट है, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं राउंड 12 के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कह सकते हो कि फ़ायदे वाली बात है कि अगर इन लोगों को शिव ठाकरे जैसे लोगों को अगर ये फेवरेट है राउंड 12, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है।